हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक चार्ज डज नॉट हैव विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। सो बच्चों, यहाँ पर हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए जो हमें चार प्रॉपर्टीज गिवन है, उसमें से कौन सी प्रॉपर्टी को चार्ज एग्जिबिट नहीं करता। तो अगर हम इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज देखें तो इट ओबेज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सो यहाँ पर चार्जेस को हम क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉयड भी नहीं कर सकते, बट जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज होगा दैट विल रिमेन कॉन्स्टेंट इन द सिस्टम। सो टोटल चार्ज कंजर्वेशन तो फॉलो होता है चार्ज के थ्रू। देन बच्चों, अगर हम बी प्रॉपर्टी चेक करें, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस मीन चार्जेस आर क्वांटाइज्ड, इलेक्ट्रिक चार्जेस क्वांटाइज्ड है, और किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा दैट इज इक्वल्स टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज दैट इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -19 कूलम। सो क्वांटाइज्ड होंगे चार्जेस, तो ये भी फॉलो होता है। देन बच्चों, सी है टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो हमें यूनिवर्स में दो टाइप के चार्जेस मिलते हैं, एक होता है पॉजिटिव एंड दूसरा होता है निगेटिव। तो ये बात भी चार्जेस फॉलो करते हैं। अब बच्चों, अगर हम बात करें डी स्टेटमेंट की, सर्क्यूलर लाइन ऑफ फोर्स, तो अगर हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ड्रॉ करना चाहते हैं तो दे स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन द निगेटिव चार्ज इस तरह से। सो बच्चों, यहाँ पर अगर हम अदर लाइन्स को शो करें तो वो फील करते हैं ड्यू टू द अट्रैक्शन, वो फील कर लेते हैं अपने आप में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। सो बच्चों, यहाँ हम बोल सकते हैं कि जो डी ऑप्शन है वो इलेक्ट्रिक लाइंस के लिए ट्रू नहीं है, दैट इज ओनली ट्रू फॉर द मैग्नेटिक लाइंस जो कि बनाते हैं सर्कुलर लाइन ऑफ फोर्स। जैसे हम एक बात करें बार मैग्नेट की, जिसमें हम दो पोल्स नॉर्थ एंड साउथ की बात करेंगे, तो जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है वो बाहर मैग्नेट के नॉर्थ टू साउथ ट्रेवल करेगी, और जब वो मैग्नेट के अंदर ट्रेवल करेगी तो साउथ टू नॉर्थ ट्रेवल करेगी। तो ये सर्कुलर लाइन साइक्लिक लाइन बन जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज इस प्रॉपर्टी को एग्जिबिट नहीं करता। सो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। थैंक यू।